एस्पिरेंट को बार बार एक ही बात सुनने में आ रही है, जो कि है कि जो आपने ना अभी आंसर की से मैच करके अपना रॉ स्कोर निकाला था उसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं है, जो भी वैल्यू है वो है आपके नॉर्मलाइज स्कोर्स की। तो अब जानते हैं कि आखिरकार ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है और आपके जो ये नॉर्मलाइज स्कोर्स निकल के आएंगे वो एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे। अब ये जान लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके रॉ स्कोर है वो इंक्रीज तो हो सकते हैं बट डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो बच्चे लिटरली डरे हुए हैं, दे आर सेइंग कि हमारे ऑलरेडी इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, कहीं इससे भी कम तो नहीं हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। और कुछ बच्चों की तो अलग ही वो दुख है कि दे आर सेइंग कि अभी रॉ स्कोर में तो हमारे काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, कहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे नीचे ना हो जाए मार्क्स। वी डोंट वांट देम, हमें रॉ स्कोर जितने ही मार्क्स चाहिए। मतलब बेसिकली डिफरेंस कितना रहेगा रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस कैसे आपके कैलकुलेट होते हैं मार्क्स वो अच्छे से समझा दूंगी लेजिटिमेट वे में, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो में बता रही हूँ कि कितना डिफरेंस रहेगा रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच। देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना ये बात, कुछ बच्चे थे जिनका एग्जाम फर्स्ट डे ऑफ CUET में ही हो गया था, वहीं कुछ बच्चे थे जिनका एग्जाम लास्ट डे पे हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट डे वाले बच्चे कह रहे हैं कि यार हमें तो बहुत ही कम टाइम मिला इन कंपैरिजन टू लाइक जिनका पेपर लास्ट डे पे हुआ है ना। हम पहले किसी बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई कैसे आ रहे हैं CUET के पेपर, लाइक पूछ सकते हैं तो लास्ट ईयर वालों से पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि इस साल कैसे आ रहे हैं CUET के पेपर, क्योंकि हम ही पहले हैं, हमसे ही पूछेगा कोई पूछेगा तो हम किससे पूछे जाके। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ काफी अनफेयर हुआ है, काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वहीं अगर लास्ट डे वाले बच्चों से पूछे तो वो कहते हैं कि यार हमेशा देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्स्ट में ज्यादा कम टाइम मिला उनको, बहुत ज्यादा कम टाइम मिला है फर्स्ट डे पे, तो उनका पेपर इजी बनाया जाता है। वहीं हमें सोचते हैं कि इनको तो इतना सारा टाइम मिल गया है तो हमारा पेपर डिफिकल्ट बना देते हैं, जस्ट थिंकिंग कि इनको तो इतना सारा टाइम मिला था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। तो आप दोनों ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लाइक फर्स्ट डे वाला बच्चा यही बोलेगा कि हमें कम टाइम मिला, लास्ट डे वाला बोलेगा कि फर्स्ट वाले को इजी पेपर दिया जाता है। तो इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए NTA ने निकाला है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आप समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो इट्स वेरी सिंपल येट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब आप फॉर्मूले से इसको समझने बैठते हो, तो फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे, मैं मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। तो आपको भी पता है कि इतने सारे दिन हुए थे CUET के पेपर, प्लस वो भी तीन तीन शिफ्ट में हुए थे, तो यू नो कि हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। अब मान लो कि एक पर्सन ए है जिसका एग्जाम आज था, ठीक है, और उसका रॉ स्कोर बन रहा है इन इंग्लिश सब्जेक्ट 172 आउट ऑफ 200, ठीक है। और वहीं पर्सन बी है जिनका तीन दिन बाद हुआ, लाइक ए का पहले हो गया था, उसके तीन दिन बाद बी का एग्जाम हुआ और उसका बन रहा है स्कोर 190 आउट ऑफ 200। तो जब ए से पूछा गया कि यार तेरे मार्क्स इतने ज्यादा कम क्यों बन रहे, तो ही सेड कि मेरा जो शिफ्ट था ना उसपे काफी डिफिकल्ट आया था पेपर, प्लस लेंथी भी बहुत था। वहीं अगर बी से पूछा कि तेरे मार्क्स अच्छे कैसे आए, तो उसने बोला देखो पहले तो मुझसे ए से ज्यादा मिला था टाइम, लाइक तीन दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला था, प्लस आई थिंक कि मेरा शिफ्ट में काफी इजी एग्जाम आया था क्योंकि एवरीबडी वाज सेइंग कि अच्छा गया हमारा इंग्लिश का पेपर। देखो इजी ना दो वे में लग सकता है, फर्स्टली कि एग्जाम एक्चुअली में बहुत इजी आया था एंड सबको ही इजी लग रहा था, तो दैट मींस द शिफ्ट वाज इजी, एंड दूसरा हो सकता है द बच्चा वाज ब्रिलियंट। तो अब NTA ना सेकंड फैक्टर विच इज कि बच्चा वाज ब्रिलियंट उसको कंसिडर नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे। तो बच्चे काफी ये बोलते हैं कि हमें आप डिफिकल्ट शिफ्ट भी दे देते ना हम तब भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते, बट हमारी क्या गलती कि हमें ही इजी शिफ्ट मिला है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लूप होल्स हैं इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कि अच्छा बच्चा बोलता कि देखो मेरे को इजी शिफ्ट मिला, मेरे 190 आए हैं, ठीक है, अगर आप मुझे हार्ड शिफ्ट देते मेरे तब भी 190 आते, बट मेरी क्या गलती कि मेरे लक पे इजी शिफ्ट ही निकला, मेरे मार्क्स यू कम कर दिए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बाद। तो देखो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे NTA को ये ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इतने सारे शिफ्ट होते हैं हर दिन में, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस इंडिया के जहाँ पे एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, एग्जीक्यूट करे जाते हैं, तो NTA के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसने ऑन एन एवरेज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिससे सेटिस्फाई हो सके वो वाला प्रोसेस निकाला है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। देखो वैसे तो वो ऑलरेडी ट्राई करते हैं कि हर शिफ्ट में हर दिन की न्यूट्रल रखें, लाइक कोई ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा इजी ना रखें, न्यूट्रल रखें हर शिफ्ट को, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट कुछ इजी, बट कई कई में ज्यादा इजी हो जाते हैं, कई कई में थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ये तो हो ही जाता है, दिस इज ह्यूमन एरर, या फिर यू नो ये होता ही रहता है, अब इतने बड़े स्केल में क्या ही करें वो भी।
तो दिस इज वन वे जिसमें उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा तो डिस्क्रिमिनेशन कम से कम कम हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार आप लोगों के रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। तो देखो एट मैक्स अगर मैं बताऊं तो हर सब्जेक्ट में आपके 10% का डिफरेंस रह सकता है। लाइक 10% ऊपर भी हो सकते हैं मार्क्स, 10% नीचे भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके बन रहे लाइक 180 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, आउट ऑफ 200। एंड लाइक आपका अगर कम माना जाए ना कि 10% कम होंगे तो आपके 160-165 अराउंड हो सकते हैं मार्क्स। वेयर एज अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ रहे हैं तो 195 तक भी जाने के चांसेस हैं। तो दिस इज वेरी डाइसी टू प्रिडिक्ट कि आपके कम होंगे ज्यादा होंगे, आपके हाथ में है ही नहीं। ये सब आपके यू नो फेट का गेम कह सकेंगे कि आपका लक कितना अच्छा है, आपका शिफ्ट इजी था नहीं था, उस पर डिपेंडेंट है। इट इज जस्ट आउट ऑफ योर हैंड्स। तो इस चीज के बारे में पैनिक करने की कोई भी नीड नहीं है। और मैं जो ये 10% बता रही हूँ ना, पहले ही बता दूँ ये मैक्सिमम लिमिट है। ऐसे मत सोचना कि जैसे इंग्लिश में मेरे 18 मार्क्स कम हो गए देन मेरे मैथ्स में 18 मार्क्स, पॉल साइंस में 18 मार्क्स, केमिस्ट्री 18 मार्क्स, ऐसे नहीं है। हर सब्जेक्ट में 18-18 मार्क्स कम नहीं होंगे। जैसे आपके मान लो इंग्लिश में 2 मार्क्स बढ़ गए, पॉल साइंस में 2 कम हो गए, ज्योग्राफी में 4 बढ़ गए, हिस्ट्री में 7 बढ़ गए। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ना हर उसमें आपके 18-18 मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे। थोड़े 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 मार्क्स कम हो के जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है ना वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। लाइक मैं कम ही कम बोल रही हूँ, कम हो जाता है या बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कम ही होंगे या बढ़ेंगे ही, वो डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट एज वेल एज ऑन द सब्जेक्ट। एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है जो कि मैं मतलब आपको एक ट्रू फिगर बता रही हूँ प्लस एक रियलिटी चेक मान लो दे रही हूँ कि अगर आपका 1 मार्क्स कम हुआ ना तो आप लिटरली हजारों रैंक नीचे आ जाओगे, हजारों बच्चे आपसे ऊपर चले जाएंगे। 1 मार्क्स की इतनी वैल्यू है। लाइक सारे बच्चे, इतने बच्चे होंगे जिनके 720 आए होंगे, ठीक है। मान लो आपका 1 मार्क्स कम हो गया, आप 719 पे आ गए, तो जो 720 वाले हैं वो सारे आपसे ऊपर हो जाएंगे, आप 719 वाले नीचे हो जाओगे। बट येट अगेन एक अच्छी चीज ये भी है कि अगर आपका 1 मार्क्स भी बढ़ता है तो सोचो आप होगे वो जो हजारों से ऊपर चले जाओगे और आपके अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप YouTube पे जाओगे ना तो कई यूट्यूबर्स बोलेंगे कि ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, हम प्रिडिक्ट करके बताते हैं आपको कि आपके रॉ स्कोर से आपके कितने मार्क्स बन रहे, लाइक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कितना हो सकता है। बट हाउ कैन दिस बी डन, कैसे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें आपसे अच्छा किन बच्चों का पेपर गया है, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है अनटिल और अनलेस यू नो कि आपके शिफ्ट में उन बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपसे ज्यादा आ रहे हैं आपसे कम आ रहे हैं। दैट इज वाई एनटीए करता है इस चीज को हैंडल। तो ये प्रिडिक्ट करना कि आपके रॉ स्कोर से आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना होएगा, दिस कांट बी डन, ठीक है, एकदम लेजिटिमेट वे में नहीं हो सकता। बट हाँ ऑफकोर्स आपको एक रेंज बता सकते हैं कि आपका जो भी रॉ स्कोर बन रहा है उससे 15-20 मार्क्स ऊपर नीचे लेके चलो कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर वो आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी आपको क्या करना चाहिए, यू शुड आस्क फ्रॉम समबडी योर सीनियर जो आपसे 1 साल बड़ा हो, जिन्होंने एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को ना अपनी आंखों के सामने अपने साथ होते हुए एक्सपीरियंस किया है। हमारे बैच में ना लिटरली काफी सारे बच्चों का बहुत अच्छा रॉ स्कोर बन रहा था बट देन सडनली बैम नॉर्मलाइज स्कोर इतना कम आ गया था। तो बहुत ज्यादा सडन वो था कि ये कैसे हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना कम कैसे आ सकता है। हमने थोड़ी बोला था कि यार हमें इजी शिफ्ट दो, हमें मुश्किल दे देते, हम इतने ही मार्क्स लेके आते, दिस इज वेरी अनफेयर। ये सब हुआ था लास्ट ईयर भी, बहुत सारे बच्चों ने रेज किया था पिटीशन कि यू नो हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा नॉर्मलाइज स्कोर गलत हुआ है, हमें भले ही डिफिकल्ट शिफ्ट में दोबारा एग्जाम दिलवा दो, ऐसे बहुत कुछ हुआ था। बट फिर से एनटीए ने यही बोला था कि लार्ज स्केल में हम इतना अच्छे से और क्या ही लाएं आपके लिए कि हर एक बच्चे को सेटिस्फाई कर सके। तो दैट इज वाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस साल भी होने ही वाला है। तो एक्सेप्ट योर फेट एज ऑफ नाउ, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सब आपके हाथ के बाहर ही है। यू कांट डू, यू कांट प्रिडिक्ट कि आपका यू नो शिफ्ट इजी था या डिफिकल्ट था, बट ऑल यू कैन डू इज मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट एट दिस टाइम, ठीक है। अभी आपको कुछ और नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना आएगा, रॉ स्कोर कितना बन रहा है, कौन सा कैंपस मिलेगा कौन सा कैंपस नहीं मिलेगा। अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है, स्टार्ट कर दो प्रेफरेंस लिस्ट। आई हैव ऑल्सो मेड मल्टीपल वीडियोस हर एक कोर्स की बता दी, अब तो मैंने मतलब हर एक स्ट्रीम की बता दी है। चेक दैट आउट, पूरा ना एंड तक देखा करो, बीच बीच में से ही टाइम मत कर दिया करो कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं दीदी बता दो, पूरी वीडियो तो देखो, मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है कि इस रेंज में मार्क्स आए हैं तो आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कैंपस मिलेगा। तो डू वॉच द फुल वीडियो प्लीज। नॉर्मलाइज स्कोर पे पैनिक मत करना, बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिनके ना बहुत अच्छे नॉर्मलाइज स्कोर आए थे उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग में गलती कर दी और उनको नीचे का कॉलेज मिल गया। वेयर एज जिनके कम आए थे उन्होंने बाजी मार ली प्रेफरेंस फिलिंग में एंड इतना अच्छे से प्रेफरेंस फिलिंग करी कि जिनके मार्क्स उनसे ज्यादा आए थे
उनसे भी लिटरली बहुत टॉप का कॉलेज मिल गया है, तो सब प्रेफरेंस फिलिंग का खेल है, प्लीज उसको अच्छे से बैठ के करो, शुरू कर दो, एंड तक का वेट मत करना कि जब फेस टू खुलेगा हम तभी करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ऑल्सो अगर आपको लगता है ना कि मेरी वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही है तो 2x पे देखने का ट्राई करो। आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट 1.5x या थोड़ा ऐसे, बट पूरी वीडियो देखना, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें मैं आपको न्यू अपडेट्स या फिर न्यू नॉलेजेबल थिंग्स बताऊंगी। बाकी टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बाय। हाँ, ऑल्सो इन केस यू वॉन्ट कि मैं आपको वो फॉर्मूला भी समझा ही दू, वैसे तो वो आपके कुछ यूज का है ही नहीं, ठीक है? आपको उसको समझ के कुछ करना भी नहीं है, समझ के क्या ही कर लोगे। हाँ, बस एक तसल्ली हो जाएगी मन में कि अच्छा दिस इज दी फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट ऊपर वाले के हाथ में, एवरी फेट लक जो भी कहना चाहो आप, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो इनकेस यू वॉन्ट कि मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दू ताकि आपको थोड़ा समझा दू, तसल्ली हो जाए, तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, उसके बारे में कि दीदी प्लीज उसका फॉर्मूला वाला बना दो वीडियो, तो आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है? बाकी टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी ही। स्टे फोकस्ड, स्टे होपफुल, ओके?